अब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं नया ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शंस। तो देख ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शंस में भी इसी तरह से तुम्हें लिस्ट बना लेना, लिस्ट बना के थोड़ा 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 करके उसमें लिख लेना है। ओके जैसे देख हम लोग एनसीईआरटी में जैसे लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन दिया हुआ है, बट किसी में जैसे एसिटिक एसिड है या साइट्रिक एसिड्स है, इन सब में क्वेश्चन अलग अलग आता है, बहुत बढ़िया तरीके से आता है। जैसे तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कौन से माइक्रोब्स यूज किया जाता है, तो लैक्टिक एसिड बनाना है तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को यूज करेंगे, और ये फर्स्ट एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी, फर्स्ट एसिड है जो माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू इसको कॉमर्शियली प्रोड्यूस किया गया था। और इसमें सब्सट्रेट हम लोग क्या लेते हैं, पोटेटो स्टार्च, कॉर्न स्टार्च या मोलासेस। मोलासेस क्या होता है जानते हो तुम लोग? अरे भाई मोलासेस सीधा मतलब होता है तेरा शुगर कैन का जो जूस होता है ना, जूस, उसी को बोलते हैं मोलासेस। उसी से गुड़ बनता है, उसी से चीनी बनता है, और उसी को हम सीधे क्या कर दे, बैक्टीरिया डाल के फर्मेंटेट कर दे, तो उससे भी क्या बन जाएगा, अल्कोहल भी बन सकता है। बट यहाँ पे हम लोग लैक्टिक एसिड बना रहे हैं। अब लैक्टिक एसिड का यूज कहाँ है? जैसे लैक्टिक एसिड बना तो लिया, इसका अप्लीकेशन क्या है? इसको एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं फूड में, मॉडरेंट टेनिंग डाइंग, मॉडरेट मतलब कलर वगैरह जब बनाते हैं ना तो उसमें कुछ मॉडरेट वगैरह की जरूरत होती है, तो उसमें टेनिंग मतलब रबर इंडस्ट्रीज में, रबर बोले सॉरी, लेदर इंडस्ट्री में, तो लेदरिंग को अलग करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए थोड़ा उसका प्रोसेसिंग में लैक्टिक एसिड की जरूरत पड़ती है। और उसी तरह से डाई मतलब कलर में भी चाहिए होता है लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड को कलर प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है। दूसरा जाता है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड को हम लोग यूज करते हैं, एस ईस्ट है या एसिटोबैक्टर एसिड, ये नाम रख याद रखना, ईस्ट को याद रखो ना रखो, बट एसिटो बैक्टर एसिटी इसको जरूर याद रखना तुम लोग, ठीक है। इसमें सबस्ट्रेट मोलासेस यूज करते हैं, और इसमें जो यूज होता है इसका प्रोडक्शन, इसका हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वेनेगर बनाने के लिए। तो वेनेगर में 10 से 13% क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, और यही वेनेगर है जिसमें ना दूध को फाड़ने के लिए यूज किया जाता है पनीर बनाने के लिए, तो उस इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो वेनेगर का ऐसे भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, जैसे चाउमीन बनाते हैं ना उसमें भी ये लोग एसिटिक एसिड डाल देता है, और अदर फूड प्रोडक्ट होता है उसमें भी डाल दिया जाता है, अलग अलग फूड प्रोडक्ट होता है उसमें भी डाल देते हैं, ठीक है। और थर्ड आ जाते हैं साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड है, ये है तुम्हारा कैंडिडा है, एस्परजिलस, नाइजर है, म्यूकर है, ठीक है ना, कैंडिडा है, एस्परजिलस है, म्यूकर है, ठीक है, इसको यूज किया जाता है साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड के लिए जो सबसे मेन है इसको याद रखना, एस्परजिलस नाइजर, इसको मतलब बाकी भूल जाओ बट एस्परजिलस नाइजर को भूलना मत, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, देख ये हम लोग को याद रखना है, फिर एस्परजिलस नाइजर को याद रखना है, इसको हम लोग यूज करते हैं। बाकी सबस्ट्रेट में देखो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट सोर्स जहां से मिल जाए, ठीक है। उसके बाद इस साइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव के तौर पे, फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पे। प्रिजर्वेटिव जैसे नहीं, मान लो कि कोई इंडस्ट्री है जो फ्रूट जूस बनाता है, समझे, या कोई फूड प्रोडक्ट है, उस फूड प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ जो होता है ना वो कम होता है, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, तो ये लोग क्या करते हैं उसमें, ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे, अब ऐसा कोई प्रिजर्वेटिव यूज किया जाए जिसको खा भी सकते हैं। मान लिया जैसे जूस है, जूस में मान लिया साइट्रिक एसिड बना दिया, मिला दिया, तो जूस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके टेस्ट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो एक प्लस फायदा ये दे देगा कि वो एज ए प्रिजर्वेटिव है, तो जूस काफी दिनों तक रह सकता है, सस्टेन कर जाएगा, सेल्फ लाइफ कम है तब भी काफी समय तक सस्टेन कर जाएगा, ठीक है। और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर तो यूज करते ही करते हैं, फ्लेवरिंग मतलब ये देखो भाई, जो डिफरेंट डिफरेंट 5 स्टार होटल्स होटल होता है, तो उसमें जो शेफ खाना बनाता है ना, वो लोग बहुत कुछ यूज करते हैं फूड में बनाने में। हमारे घर में बस खाली क्या है, हल्दी, नमक, मसाला, इसी से सब कुछ बन जाता है, चिकन भी बन जाता है, चिकन बिरयानी भी बन जाता है, मछली भी बन जाता है, सब्जी कोई भी लेके आओ सब कुछ बन जाएगा, समझे। बट अगर मान लो जैसे 5 स्टार होटल है, तो उसमें तो 50 तरह के मसाले ही पता नहीं क्या क्या रखा रहता है, जो हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं है, तो उसमें इस तरह के साइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, वेनेगर, लैक्टिक एसिड बहुत कुछ रखा रहता है, और किस एसिड को किस फूड में यूज करना है वो लोग पूरा पढ़ाई किया हुआ रहता है, समझे।
सिर्फ टेस्ट बढ़े बिगड़े नहीं, उल्टा भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है ब्यूटरिक एसिड। तो ब्यूटरिक एसिड ये नीट का क्वेश्चन है जी, आया हुआ नीट, नीट में ऑलरेडी आया हुआ है, समझे? आज से 2 या 3 साल पहले का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं पुराना, लेटेस्ट क्वेश्चन। ब्यूटरिक एसिड बनाने के लिए हम लोग इसमें कोलेस्टेडियम ब्यूटरिकम को यूज करते हैं, कोलेस्टेडियम ब्यूटरिकम को यूज किया जाता है, और ये एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, ठीक है? प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। लास्ट आता है ग्लूकोनिक एसिड, इसको हम लोग यूज करते हैं एस्परजिलस नाइजर एंड पेनिसिलियम क्राइसोजिनस को यूज करके, ठीक है? इसका प्रोडक्शन करता है। और ग्लूकोनिक एसिड जो है ना, एक अच्छा सोर्स होता है तेरा कैल्शियम आयन का। नेक्स्ट आ जा, चलो हेडिंग डालना एंजाइम प्रोडक्शंस। अब माइक्रोब्स जो, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का ही चल रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर ही है, एंटीबायोटिक्स था, कुछ केमिकल एंजाइम और अदर बायोएक्टिव सब्सटेंसेस में है, ये सब देखना है। 183 पेज पे हेडिंग डाला हुआ है। तो बात है एंजाइम प्रोडक्शंस। तो एंजाइम प्रोडक्शंस में 3 एंजाइम है हम लोग को, पेक्टिनेज, अच्छा नहीं 4 सॉरी, प्रोटीएज, लाइपेज और एमाइलेज। ये 3 एंजाइम इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये पैक्टिनेज एंजाइम दिख रहा है, इस तरह से एंजाइम को एक्सट्रेट करके, और यहाँ पे देखो कौन से एस्ट्रिन को यूज किया गया वो भी लिखा हुआ देता है, एस्परजिलस नाइजर लिखा है इस दवाई के ना, मतलब ये जो पैकेज है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है। तो पहला है नंबर डालो 1, और यहाँ पे हम लोग कौन सा माइक्रोब यूज करेंगे और उसका यूजेस क्या है, ये 3 है। ये यूजेस का कॉलम है, ये यूजेस का कॉलम है, ये माइक्रोब्स का कॉलम है, ठीक है, और ये एंजाइम का कॉलम है। तो 3 कॉलम है, इसको ध्यान रखना। तो पैक्टिनेज आ गया पहला। तो पैक्टिनेज का जो प्रोडक्शन होता है एस्परजिलस नाइजर को करते हैं, बस एक ही लिखना है, इसको मत लिखो, ठीक है? इसको लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद इसका यूज किया जाता है क्लियरिंग ऑफ फ्रूट जूस, एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रूट जूस, रेटिंग ऑफ फाइबर एंड फर्मेंटेशन ऑफ ग्रीन कॉफी। पहला जो एप्लीकेशन है क्लियरिंग ऑफ द फ्रूट जूस, तो फ्रूट जूस को फिल्टर उल्टर करने के बाद इवन एक्सट्रैक्शंस में भी, दूसरा फ्रूट जूस के एक्सट्रैक्शंस में भी यहाँ पे पैक्टिनेज एंजाइम, पैक्टिन क्या करेगा, पैक्टिनेज क्या करेगा, पैक्टिन को डाइजेस्ट करेगा। और पैक्टिन कहाँ होता है, कहाँ होता है जी, पैक्टिन सेल वॉल का कंपोजिशन होता है, सेलुलोज एंड पैक्टिन, सेलुलो पैक्टिन दोनों मिला के रहता है। तो ये सेल वॉल को तोड़ता है, तो उससे क्या हुआ है, जो बड़े बड़े फाइबर है वो टूट के डाइजेस्ट हो जाता है तुम्हारा, इसमें यूज होता है। तीसरा यूज होता है इसका रेटिंग ऑफ फाइबर। रेटिंग फाइबर का मतलब हो गया कि जैसे मान ले जूट जो है, तो उसका जो जूट प्लांट होता है उसको जब पूरा कंप्लीटली ग्रो कर जाता है तो उसको काट के पानी में डाल देते हैं सड़ने के लिए। फिर उसके बाद उसमें से फाइबर्स क्या होता है, उसके बार्क के फॉर्म में अलग होना स्टार्ट होता है, बाद में फिर उसमें सेपरेट कर लिया जाता है। शायद देखा होगा गाँव में आसपास कहीं ना कहीं देखा होगा। तो उस प्रोसेस को कहते हैं रेटिंग ऑफ फाइबर, वो सड़ाया जाता है, उस फिर फाइबर से अलग अलग चीजें बनाई जाती है ना। और तीसरा है, सॉरी चौथा है तुम्हारा, इसका यूज किया जाता है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रीन कॉफी। देख, जो कॉफी हम लोग पीते हैं ना, वो बहुत कुछ प्रोसेस करके बाद वो मिलता है, बहुत प्रोसेसिंग के बाद। तो पहले तो उसको क्या किया जाता है, ग्रीन कॉफी का जो सीड होता है उसको फर्मेंटेट किया जाता है, सड़ाया जाता है, तो उस टाइम पे पैक्टिनेज की जरूरत होती है। सड़ने के बाद फिर उसको ड्राई करके फिर रोस्ट किया जाता है, भूंजा जाता है, और उसमें रोस्टिंग के अलग अलग लेवल पे अलग 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 कलर का फ्लेवर बनता है तुम्हारा, समझे? तो उससे वही कॉफी सीड, तो बहुत प्रोसेसिंग के बाद वो दिखता है जो हम लोग कॉफी का अल्टीमेटली यूज कर रहे हैं। तो सिंपल डायरेक्टली नहीं, वो अलग चीज है, ठीक है? अब आते हैं दूसरा। तो यहाँ पे एंजाइम है, मतलब नेक्स्ट वन इज द प्रोटीएजेस, प्रोटीएज। तो प्रोटीएज में जैसे बैक्टीरिया फंगस वगैरह को हम लोग दोनों को मिक्स करके यूज करते हैं, तो प्रोटीएजेस में जैसे बैसिलस सबटेलिस, बैसिलस BACILLUS बैसिलस सबटेलिस, उसके बाद तुम्हारा एस्परजिलस ओराइजी, ठीक है? इन दो को याद रखो, काफी है, बाकी सब छोड़ो। पेनिसिलियम रॉकफोर्डी याद करेंगे तो और कंफ्यूजन हो जाएगा, वो पनीर बनाने में भी यूज करते थे इसको। तो एस्परजिलस ओराइजी और बैसिलस सबटेलिस, ये दो याद करो, बाकी छोड़ दो, मत याद करो, ठीक है? मत लिखो ही मत, तुम इसको मत लिखो और इसको भी मत लिखो, काफी है ये, काफी है, ठीक है? अब इसका प्रोडक्शन हो गया, अब इसका यूज क्या करेंगे? तो यूज देख, पहला यूज क्या होता है प्रोटीएजेस का, वही क्लियरिंग ऑफ द फ्रूट जूस। दूसरा, प्रोटीएज एंजाइम को क्या किया जाता है, डिटर्जेंट में यूज करते हैं, डालते हैं। डिटर्जेंट मतलब जो सर्फ एक्सेल, टाइड,
या फिर और भी अलग अलग जो भी प्रोडक्ट एरियल जो प्रोडक्ट होता है उनमें ये सब मिलाया जाता है। तो अच्छे क्वालिटी का जो वॉशिंग पाउडर जो होता है, डिटर्जेंट होता है, उसमें लाइपेज और प्रोटीएज एंजाइम डला हुआ रहता है, क्योंकि कपड़े पे जो प्रोटीन और लिपिड का ही दाग लगता है, समझे, तो उसको हटाना होता है, तो उसमें ये एंजाइम भी यूज किया जाता है। तो यूज इन डिटर्जेंट, उसके बाद है फॉर्मुलेशन फॉर रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन, स्टेन, ठीक है ना, तो प्रोटीन और फैट आगे मिलेगा, तो फैट स्टेन को भी रिमूव करने में यूज किया जाता है। तो दो इसका काम हो गया, ओके, यहां तक हो गया। थर्ड आते हैं लाइपेज, तो तीसरा एंजाइम है लाइपेज, और लाइपेज को हम लोग बनाते हैं किससे, कैंडिडा, एक फंगस है, और एस्परजिलस, ये दो याद रखो, चाहे मिलकर भी याद करना चाहो कर सकते हो, एस्परजिलस और कैंडिडा, तो ये दो आपके माइक्रोब्स है जिनको यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसको यूज करते हैं। उसके बाद आता है तेरा एमाइलेज, एमाइलेज में एस्परजिलस नाइजर एंड एस्परजिलस ओराइज, ये दो फंगस यूज करते हैं, और बैसिलस सबटेरेस बैक्टीरिया, इसमें से कोई भी यूज किया जा सकता है एमाइलेज बनाने के लिए, और एमाइलेज काफी काम का है, इसको बेसिकली यूज किया जाता है ब्रेड इंडस्ट्री में जो बेकरिस्ट के साथ, तो सॉफ्टनिंग एंड स्वीटनिंग ऑफ ब्रेड, सॉफ्टनिंग एंड स्वीटनिंग ऑफ ब्रेड में यूज किया जाता है, समझे, ब्रेड इंडस्ट्री में, मतलब कुल मिला के इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बेकर ईस्ट के अलावा इसको क्या किया जाता है, इस एंजाइम को मिला देते हैं। तो मान ले जैसे किसी को स्वीट मीठा वाला ब्रेड बनाना है, तो अब उसमें चीनी डालेगा, अगर चीनी डालेगा तो वो क्या होता है ना, उल्टा हो जाता है, चीनी डालने से वहां पे जो माइक्रोबियल ग्रोथ का फंगस वंगस ना बहुत तेजी से ग्रो करता है, तो वो सारा शुगर ड्यूरिंग फर्मेंटेशन कंज्यूम हो जाता है, तो मीठा नहीं लगेगा। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, एमाइलेज डालते हैं, तो एमाइलेज डालने से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा स्टार्च टूटेगा ग्लूकोज में, और उसमें से कुछ इथाइल अल्कोहल बनाएगा, बाकी मेनली बहुत सारा पोर्शन बच जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो ब्रेड होता है ना वो मीठा हो जाता है स्टार्च के ब्रेकडाउन के वजह से, टूटने से, समझे, तो ये ज्यादा अच्छा हो जाता है। क्लियर यहां तक। अब आ जाते हैं हम लोग बायो एक्टिव केमिकल का प्रोडक्शन, तो ऐसे ही हेडिंग डालना ना, हेडिंग वही है, पुराना वाला ही हेडिंग है, हेडिंग देख एक जगह पे कॉमन डाला हुआ था माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, उसमें फर्मेंटेड बीवरेजेस अलग सेडिंग डाला, एंटीबायोटिक अलग सेडिंग डाला हुआ है, केमिकल एंजाइम अदर बायोएक्टिव सब्सटेंसेस अलग से डाला है, तो हम लोग बायोएक्टिव सब्सटेंसेस पढ़ रहे हैं अभी। तो बायोएक्टिव केमिकल प्रोडक्शंस में पहला नंबर आता है, ये अलग अलग नंबर डाल के आराम से लिखने के करके, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये एंजाइम ही हो गया बायोएक्टिव सब्सटेंसेस में, एक तरह का एंजाइम है, और इसका जो प्रोडक्शन है वो हम लोग करते हैं किससे, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है ना, इसका प्रोडक्शन होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, उसके हेल्प से हम लोग इसका प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, दो ही पॉइंट काम का है बस, ये आता है, लेकिन बायोएक्टिव सब्सटेंसेस पूरे माइक्रोब्स में कहूंगा ना मैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख बायोएक्टिव सब्सटेंसेस में स्ट्रेप्टोकाइनेज है, उसके बाद तेरा इसमें साइक्लोस्पोरिन ए, उसके अलावा एक है स्टेचिंस, तो तीन चीज का प्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे देखना है। अब इसमें एक एक करके देखते हैं, तो पहला हो गया हम लोग का स्ट्रेप्टोकाइनेज, तो यहाँ पे दस दो पॉइंट है, एक तो हो गया कि इसका प्रोडक्शन करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, इसका यूज जो है ना वो क्या होता है, इसका यूज होता है यूज एज ए क्लोट ब्लस्टर टू रिमूव द क्लोट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट्स हु हैव द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। पढ़ा है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्लास 11th में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, जहाँ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है वहां पे दिया गया है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उस सेक्शन में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। देखो इस तरह से ये प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है, मतलब ये कॉमर्शियल नेम है STK ऐसे करके, तो इसलिए में स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम होता है इसमें, और ये मतलब कॉमर्शियल नेम हो गया। एनीवे ये था क्लोट ब्लस्टर का मतलब क्या है, इस पे थोड़ा फोकस करते हैं, क्लोट ब्लस्टर का मीनिंग क्या है, ओके, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो ये मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, अगर बताना पड़ेगा यार तुम लोग तो मतलब ठीक हो। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, मान लो जैसे कहीं पे क्लॉट बन जाता है, तो उस पर्टिकुलर मसल्स में ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा,
उस पर्टिकुलर जगह के जो सेल्स होते हैं मरने लगते हैं। ये इनिशियल स्टेज होता है हार्ट अटैक का, इनिशियल स्टेज, उसी को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। ठीक है, अब ये क्लॉट ब्लास्टर्स क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, जब जैसे कहीं कहीं पे बॉडी में इंटरनली क्लॉट वगैरह बन जाता है, इंटरनली अंदर में कहीं पे बन जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे बनता कैसे है तुम्हारा, इसमें मान ले कोई बैक्टीरिया ऑक्टेरिया ग्रो कर रहा है, तो अब उसको हील करने के लिए यहाँ से क्या होता है, कुछ क्लोटिंग प्रोटीन वगैरह रिलीज होता है और इस तरह से क्लॉट बना देता है। बाद में हम लोग काइनेज, स्टेटोकाइनेज यूज करके इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मान ले जैसे ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट बन गया, और ये तो बाहर है, ब्लड वेसल्स के बाहर है ना, अगर सेम चीज क्या होता, ब्लड वेसल्स के अंदर ही बन जाता तो ये रास्ता ब्लॉक हो जाता ना। तो इस अच्छा केसेस में हम लोग यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये बॉडी में जाएगा और जहां पे क्लॉट रहता है उसको ब्रेक डाउन करता है। कैसे ब्रेक डाउन करता है, तो इसलिए हम लोग उसको क्लॉट ब्लास्टर कहते हैं। कैसे ब्रेक डाउन करेगा, तो इसमें फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटीज होता है। क्या होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज में फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटीज होता है। जैसे फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटीज का मतलब, जैसे फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है पॉलीमराइज होकर, इसी फाइब्रिन को ये स्ट्रेप्टोकाइनेज तोड़ के फिर से क्या करता है, लाइसिस ऑफ फाइब्रिन फाइब्रिन फाइब्रिन, तो फाइब्रिन को फिर से तोड़ के अलग कर देता है। ठीक है, उसको तोड़ के अलग कर देता है। अब जैसे तोड़ के अलग करेगा मतलब जो क्लॉट बना था वो डिजोल्व हो चुका है, अब वहां पे ब्लड का फ्लो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम है किसका, स्ट्रेप्टो काइनेज का काम करना। स्ट्रेप्टो काइनेज जो है इसमें नेचुरली अगर हम बात करें, जैसे अगर ब्लड क्लॉट के इंटरनल अगर क्लॉटिंग होता है तो उसको नेचुरली कौन ब्रेक डाउन करता है? ये सब हेडिंग मत डालना, बार बार दे हेडिंग मत डालो, ये सब सिर्फ ये लेटर पे ध्यान दो। नेचुरली हम लोग के ब्लड में एक टीपीए प्रेजेंट होता है। क्या होता है, टीपीए, फुल फॉर्म टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर होता है, टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर होता है। ठीक है, टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर होता है। अब ये टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर्स का काम क्या होता है, जैसे प्लाज्मोजन जो होता है उसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है, और प्लाज्मिन का काम होता है कि ये अगर मान लो कहीं बीच में कहीं क्लॉट स्लॉट बना है तो वो फाइब्रिन को जाके डिजोल्व कर देता है नेचुरली, ये नॉर्मल है। ठीक है, बट अगर मान ले नॉर्मल काम नहीं कर रहा तो हम उस केसेस में हम क्या करेंगे, पेशेंट को स्ट्रेप्टो काइनेज एंजाइम इंजेक्ट करेंगे, और ये स्ट्रेप्टो काइनेज एंजाइम भी सेम यही चीज क्या करेगा, इसको ये इसको इस फाइब्रिन को डिजोल्व कर देगा। ओके, तो ये नॉर्मल है और बाकी ये नॉर्मल है, बाकी हम लोग तो एंजाइम यूज कर ही रहे हैं। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट नंबर टू, ये प्रोडक्ट नंबर टू है। अभी वन देखा स्ट्रेप्टोकाइनेज, अब प्रोडक्ट है बायोएक्टिव सब्सटेंसेस में साइक्लोस्पोरिन ए, इसका नाम ही है साइक्लोस्पोरिन ए। अब ए का फुल फॉर्म मत पूछने लगना मुझसे, ठीक है? ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए मतलब साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन बी सी ऐसे करके अलग अलग है, तो साइक्लोस्पोरिन है ये। और साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है ये 11 मेंबर ऑलिगोपेप्टाइड होता है, मतलब ये प्रोटीन है, मतलब केमिकली ये क्या हो गया, एक तरह का प्रोटीन, वो भी ऑलिगोपेप्टाइड होता है तुम्हारा। और इसका जो प्रोडक्शन है मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर प्रोड्यूस करना होता है, उसका प्रोडक्शन हम लोग करते हैं एक फंगस है जिसका नाम है, क्या नाम है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम, याद कर लो 2020 20 के एग्जाम तक कम से कम, ये मैं बोल रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं, कम से कम 10 बार क्वेश्चन मिलेगा तुमको, समझे, 10 बार क्वेश्चन मिलेगा। आई बात समझे, अब नीट एग्जाम में मिल जाए तो और मजा आ जाएगा, 11 बार हो जाएगा। इसका प्रोडक्शन होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम फंगस से यूज होता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना तुम लोग। अब बेसिकली इसका हम करेंगे क्या, जी जो साइक्लोस्पोरिन हम लोगों ने तो चलो इंडस्ट्रियल पे एक फंगस को ग्रो किया, ये फंगस का स्टेन है, ये फंगस है, इसको ग्रो किया और मिल गया, उसके बाद इसका प्रोडक्ट बना के इस तरह से हम लोग इसको बोतल में पैक कर चुके हैं, साइक्लोस्पोरिन इंजेक्शन है। ठीक है, और इस तरह से भी आता है, इस तरह से भी आता है इंजेक्शन है। अब इसका यूज क्या करोगे, तो बेसिकली इसको यूज किया जाता है एज ए एमिनो सप्रेसिव एजेंट के तौर पे, एमिनो सप्रेसिव एजेंट्स के तौर पे यूज करते हैं इन ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशंस। ठीक है ना, यूज एज एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स इन ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन इन पेशेंट्स। मान लो कोई पेशेंट है और उसमें हम लोगों ने क्या किया, ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन किया है या ग्राफ्टिंग किया है, ग्राफ्ट किया हम लोगों ने उसमें, तो
तो अब वो ग्राफ्ट जो है वो या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्ट ना हो जाए इम्यून सिस्टम की वजह से, तो हम लोग उस केस में एम्यूनो सप्रेसिव ड्रग दे के उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। आई बात समझ में, एम्यूनो सप्रेसिव ड्रग दिया जाता है, तो ये यूज एम्यूनो सप्रेसिव ड्रग के तौर पर यूज किया जाता है। तो ज्यादातर केसेस में जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है किसी पेशेंट में, तो ये कंपल्सरली दिया जाता है। मतलब रिजेक्शन हो रहा नहीं हो रहा, मैचिंग हो रहा नहीं हो रहा, फिर भी इनिशियली दिया जाता है, फिर धीरे धीरे चेक किया जाता है कि उसमें क्या रिस्पॉन्सेस है तुम्हारा। ठीक है, तो ये तो रहा साइक्लोस्पोरिन्स क्या होता है, एक 11 मेंबर ऑलिगोपेप्टाइड चेन, एक इसका प्रोडक्शन किससे होता है, एक फंगस है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मम पॉलिस्पर्मम, इससे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ओके, दो हो गया, और इसका यूज होता है एम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स के तौर पे यूज होता है। अब इसका देख और भी कुछ यूजेस है, ठीक है, ये एक यूजेज है, जैसे साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये क्या करता है, इनहिबिट करता है टी सेल रिसेप्टर्स, सॉरी टी सेल रिस्पॉन्सेस को ये इनहिबिट करता है। तो बेसिकली जब भी ये क्वेश्चन मैंने बोला था ना कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसमें कौन सा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, तो मैंने उसमें बोला था सेल मीडिएटेड, एक एंटीबॉडी मीडिएट होता है, एक सेल मीडिएट होता है। तो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम ये टी हेल्पर सेल एक्टिवेट करता है ना, तो इनहिबिट कर देता है एक्टिविटी ऑफ टी सेल रिस्पॉन्सेस। तो टी सेल रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो मतलब इम्यूनो सप्रेशन हो गया, इट इनहिबिट द सेल मीडिएटेड, दैट इज इसी को दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है। और यूज ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन टू द प्रिवेंट द रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन एंड ऑल्सो यूज ए एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट। ये स्किन पे देख रहा रैसेस, इसको बोला जाता है स्किन पे रैसेस जो बनता है ना, ये भी एक एलर्जिक रिएक्शन है, अर्ट्रिकेरिया होता है। अब आ जाते हैं थर्ड प्रोडक्ट है स्टेटिन्स। स्टेटिन्स जो है ये बेसिकली इसका जो प्रोडक्शन होता है, इसका यूज क्या उस पर भी आते हैं, बट इसका प्रोडक्शन है, तो इसमें एक बैक्टीस्ट है, इसका नाम है मोनेस्कस परप्यूरियस, परप्यूरियस मोनेस्कस परप्यूरियस, इसको भी याद कर लो, ये भी 10 बार से ज्यादा क्वेश्चन आएगा 2020 के फाइनल एग्जाम तक, ये टेस्ट होगा ना 10 के, हमको लगता है 15 बार भी आ जाएगा, बट है बहुत इंपॉर्टेंट इसका दैट। स्टेटिन्स को यूज किया जाता है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करने के लिए, कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। ठीक है, तो जिसको कोलेस्ट्रॉल बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है, हार्ट वोट का प्रॉब्लम, वो लोग स्टेटिन्स को खाते हैं। आई बात समझ में, अच्छा तुम लोग बताओ कोलेस्ट्रॉल अच्छा है या बुरा जी? गुड है, गुड, बस इतना बोलो, वैसे तो चाहिए बॉडी में, वो सबसे काम नहीं चलेगा, गुड मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर घट जाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, समझे? तो किसी भी हालत में बॉडी में होता है, हालांकि बॉडी खुद बनाता है उसको, मतलब लीवर कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस खुद करता है जितना चाहिए, मतलब चाहिए चाहिए, समझे? एक्स्ट्रा हो गया तो अलग बात है, उससे अलग प्रॉब्लम होगा तो उसको ठीक किया जा सकता है। अब समझिए, तो बेसिकली ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करने का काम करते हैं स्टेटिन्स। तो जिनमें फैट वाइट का डिपोजिशन ज्यादा है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से, तो वो लोग स्टेटिन्स को यूज करते हैं। और इसका काम होता है कि एक एंजाइम है जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में हेल्प करता है, उसको इनहिबिट करना होता है, समझ में? उसको इनहिबिट करना होता है, इट इनहिबिट द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए जो चाहिए उसको ये कम करता है, समझे? बस इतना ही काम है इसका, बाकी ये देख जो मोनेस्कस परप्यूरियस का ये कॉलोनी है उसी का, ये रियल कॉलोनी है मोनेस्कस, देखो नीचे लिखा मोनेस्कस परप्यूरियस, उसका रियल कॉलोनी है, इसी को जूम करेंगे तो ऐसा दिखता है, और ऐसे ही ग्रो करके इसमें से एंजाइम को, मतलब इस स्टेटिन्स को सेपरेट किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है केमिकल, हालांकि जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो। अब नॉर्मली जैसे कोलेस्ट्रॉल कैसे कम होता है, नॉर्मली मतलब जैसे मान लो बॉडी हमारा नॉर्मल भी तो काम करता होगा ना कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, तो वो कैसे कंट्रोल करता है, देखो एक एंजाइम है जिसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइलो ग्लूटराइल को एंजाइम रिडक्टेज, को ए रिडक्टेज। ठीक है ना, फिर से सुनो, एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइलो ग्लूटराइल को ए रिडक्टेज, ओके, एच एम जी, को ए रिडक्टेज। ठीक है,
इन्वॉल्व होता है, ये कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है। तो स्टेटिन्स क्या करता है, स्टेटिन्स का काम है कि इसी एचएमजी को ए रिडक्टेज एंजाइम को ये कॉम्पिटिट करने लगता है उसमें। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से उसको ब्लॉक कर देता है, तो ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, वही वाला बात है। तो जब भी एक्स्ट्रा अगर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होता है तो हम लोग स्टेटिन खाएंगे, तो वो क्या करेगा, इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, और उस एंजाइम वो एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस नहीं करेगा। ऐसे टैबलेट आता है स्टेटिन्स का, टैबलेट आता है मार्केट में, जो लोग हार्ट अटैक का पेशेंट होते हैं ना वो लोग खाते हैं इस तरह से 40 एमजी का, मिलीग्राम का, ठीक है। तो ये इसका था मोड ऑफ एक्शन, कैसे काम करता है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, अभी जो फिलहाल तुम लोगों के सामने पेज दिखा वो एनसीईआरटी में नहीं है, मैं तुम्हें बस बताना चाहता हूँ कि स्टेटिन्स कैसे वर्क करता है, हाउ दे वर्क। ओके, तो स्टेटिन्स हो गया, तो ये तीन हम लोग का केमिकल हो गया जो कि बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहलाता है। क्या कहलाता है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो देख ही रहो ना, एक स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट को ब्लास्ट कर रहा है, मतलब तोड़ रहा है, जैसे हार्ट अटैक का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। स्टेटिन्स होता है कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है, और साइक्लोस्पोरिन ए है इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग के तौर पर इसको यूज किया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे, एलर्जी के टाइम पे भी यूज किया जाता है। में कुछ क्वेश्चन मैं देखता हूँ, सॉल्व करो, ट्राई करो, लिखा है कॉपी में ना, तो उससे बन जाएगा। देख वही है, देख याद करने के लिए बहुत बढ़िया है, मैच करना है मास्टर कॉलम। डिस्पर्जिलस नाइजर्स का यूज कहाँ करेंगे, कोलेस्ट्रिडियम बेटरकम का कहाँ यूज करेंगे, एसिटोबैक्टर एसिड या लैक्टोबैसिलस का। तो देख हमको तो ये याद है, आ रहा फट से याद आ, लैक्टोबैसिलस लैक्टी, लैक्टोबैसिलस को हम क्या, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। तो इसका डी का फोर ढूंढो, डी का फोर एक ही जगह लो, सॉल्व हो गया। नहीं नहीं सॉरी, डी का थ्री ना, हाँ डी का थ्री यहाँ पे है, देखो ये आंसर हो जाएगा। बाकी मिला लेते हैं, देखो एस्परजिलस नाइजर जो है ए, इसको यूज करेंगे कहाँ पे, साइट्रिक एसिड बनाने के लिए। उसके बाद बी, बी मतलब कोलेस्ट्रिडियम बिटरकम को यूज करते हैं ब्यूट्रिक एसिड, ये भी सही था, ये आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद फोर है एसिडोबैक्टर का, तो एसिडिक एसिड बनाने के लिए यूज किया जाता है, सिंपल। देखो नाम भी देखो, एसिडोबैक्टर एसिड, एसिडिक एसिड, कोलेस्ट्रिडियम बिटरकम, ब्यूट्रिक एसिड, सिंपल नाम से भी देख सकते हैं हम लोग। तो ये कुछ है, इसको याद रखना हम लोग।